हे गाइस, मैं हूँ आदा शर्मा और ये है मेरा तकिया राधा शर्मा और आप देख रहे हो मुंबई लाइव। When I started off doing movies, yeah, अभी भी I'm an outsider, I'm not from the film industry, so एक film मिलने के लिए you know it's really difficult for an outsider to get a film. Also, to get your first break is even more difficult. So, I did get my first film. I was lucky to get 1920 as my first film. But for an outsider too, I mean, I've gotten replaced from a lot of films. Star Kid has replaced me because they've liked the concept that I was doing. I've been signed for films, been replaced, long dates and been replaced. And it's very heartbreaking. So, in a lot of interviews, aap log mujhe poochte ho ki nepotism ke baare mein aapko kya kehna hai. And all this time, I've been just like, haan, nepotism nahi nahi, wo to matlab... हाँ है, अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको मौका मिलेगा, बट आई थिंक मौका कभी कभी नहीं मिलता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग रियली सैड अबाउट इट, आई थॉट नेपोटिज्म बहुत कूल चीज़ है, आई एम फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट, मुझे भी ज्वाइन करना है. सो आई डिसाइडेड, आई मीन मैं अपने पेरेंट्स चेंज नहीं कर सकती हूँ, बट आई कैन हैव दिस तकिया जो सिम्बॉलिक मेरी बेटी है, और एक तकिया है जो कॉटन से बनी है. आई नेम्ड हर राधा शर्मा एज यू कैन सी, एंड इसका एक ही एक्सप्रेशन है, पर बहुत मुश्किल से वो एक एक्सप्रेशन देती है. इसने 10 किलो वजन भी घटाया है, सो उसका बॉलीवुड में डेब्यू होना तो बनता है. शी इज़ गॉट हर फर्स्ट मूवी, उसने इंस्टाग्राम पे उसका वेरीफाइड अकाउंट हो गया है, उसको ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं. आई थिंक दैट जस्ट प्रूव्स टू ऑल द पीपल हु से कि नेपोटिज्म कुछ चीज़ है ही नहीं है. इग्नोर द एलिफेंट इन द रूम, अभी यू कान इग्नोर द राधा इन द रूम. मैं रियल कैट को जिसके हजार एक्सप्रेशन से आए उसको ले सकती थी, बट द पॉइंट वॉज टू टेक द पिल्लो जिसका एक ही एक्सप्रेशन है, एंड जिसका टैलेंट आप देख सकते हो वो एक पिल्लो है. वो अगर वो पिल्लो को काम मिल रहा है तो आप देख सकते हो नेपोटिज्म कितनी कूल चीज़ है. आई मीन आई लव नेपोटिज्म बिकॉज एक पिल्लो को अगर काम मिल रहा है, ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं, मूवीज मिल रही है, उसने डेब्यू भी किया है मूवी में, सो आई थिंक दैट्स इवन कूलर. यू डोंट नीड टू हैव एक्सप्रेशंस और एनीथिंग. वो रियल क्यों चाहिए अगर तकिए को ईजिली काम मिल रहा है? आई डोंट थिंक रियल इज रियली, बिकॉज वो मर्डर मिस्ट्री है. आई एम वेरी हैप्पी ट्रेलर से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, कल ही रिलीज हुआ है, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट, सो इट मेक्स मी रियली हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ इट. इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, सो आई कांट गिव अप टू मच, बट मेरा कैरेक्टर काफ़ी मिस्टीरियस है, एंड जैसे वो नील की लाइफ में आती है उसकी लाइफ चेंज हो जाती है. द सॉन्ग्स द मूवी आर ऑल्सो किलर, वी आर गोना लॉन्च देम इन अ वीक. आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट देम, बट वन सॉन्ग इज अ सॉन्ग दैट यू गाइस ऑलरेडी नो. सो it was his production also, so he was very, very involved. And from the heels that I was wearing to the dress to what I'm going to say in the scene to my character to everything, he was really involved. So I really had a great time working with him. And both the brothers were really nice to me. I felt like I was part of the production. They changed dates for me. They went out of their way to have me be part of the movie happily. So I really enjoyed working with him. मैंने एक वेब सीरीज किया जो मेरी डेब्यू वेब सीरीज है, द हॉलीडे. पर वो मेरे लिए लाइक आई फेल लाइक आई वॉज डूइंग अ फिल्म ओनली, क्योंकि वी शॉट फॉर 30 डेज स्टार्ट टू फिनिश मॉरिशियस में, एंड आई मीन इट वॉज अ बिग प्रोडक्शन, वी मेड इट लुक लाइक अ फिल्म. सो फॉर मी इट फेल लाइक अ फिल्म ओनली, आई डिडंट फील लाइक ये वेब सीरीज है या ये फिल्म. सो आई रियली हैड फन डूइंग दिस. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर एक्चुअली, आपका डायरेक्टर, आपके डायरेक्टर का माइंड सेट क्या है एंड उसे क्या चाहिए. वो फॉर एग्जाम्पल लाइक लड़कियों के बारे में उसकी सोच क्या है, तो बॉलीवुड या साउथ इज इट डिपेंड्स ऑन वॉट योर डायरेक्टर इज, एंड उसको अपने दिमाग में लाइक उसके लिए हीरोइन कितनी इंपॉर्टेंट है उसके फिल्म में, वो कैरेक्टर आपका कितना इंपॉर्टेंट है. आई डोंट थिंक दैट्स अ साउथ नॉर्थ थिंग. मैं डेट्स मैनेज कर लूँगी, मैंने 3 मूवीज और एक वेब सीरीज साथ में शूट की है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मेरी मैनेजर वहाँ बैठी है, वो अभी भी डेट्स एडजस्ट कर रही है, सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल नाउ डेज, यू कैन मैनेज टू डू एवरीथिंग. आई थिंक आई लव एक्टिंग, एंड एक्टिंग में ही, मूवीज में ही मैं अपने सारे स्किल्स दिखा सकती हूँ. लाइक इन कमांडो आई कैन शो my action, and hopefully I get a dance film where I can show off my dancing skills. So I think all my skills are related to acting only, so I can show them off in movies, provided I get a chance to. So I'm very excited. It's Commando 3. I was in Commando 2, aur wo Bhavna Reddy ka character humko itna acha laga. Bahut alag character hai, heroine comedy kar rahi hai, aur kaafi strange ladki hai. But logon ne itna saraya aur itna pasand kiya. So now in 3, I'm even more excited because hum log khel rahe character ke saath, wo bahut sara action bhi kar rahi hai. So I'd like to say thank you for always supporting everything that I do. It's just
इंस्टाग्राम पोस्ट हो या वो रेड कार्पेट अपीयरेंस हो या मूवी मूवी में हो, आई थिंक फॉर माई फर्स्ट मूवी 1920 से मुझे ऑडियंस से बहुत बहुत सपोर्ट मिला है. दैट्स द फर्स्ट टाइम पीपल सॉ मी ऑन स्क्रीन काले दांत के साथ, वो मेसी हेयर के साथ, वो काले स्केरी लेंसेज में, एंड इतना प्यार दिया. सो आई एम वेरी लकी, आई थिंक द ऑडियंस सपोर्ट्स मी एंड आई कैन लिव माई ड्रीम बिकॉज ऑफ.